हाय गाइस, वेलकम टू सिवानी ब्लॉग्स। और आज का जो ब्लॉग है ये मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ यूट्यूब पर कि जितने भी ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं वो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि आप घर पे बाल स्ट्रेट करिए, मतलब ये रेमेडी से आपका बाल स्ट्रेट हो जाएगा, वो रेमेडी से आप बिल्कुल घर पर केराटिन ट्रीटमेंट करिए, बालों को स्ट्रेट करिए घर पर। मतलब ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का और अपने चैनल को चलाने का इनका तरीका है। और मैं सोची कि क्यों ना मैं इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं कि मैं बताऊं कि ये सब बिल्कुल झूठ है। और अगर आप इनोसेंट हैं तो आप प्लीज़ ऐसा कोई मत करिएगा कभी भी। आपके बाल जो केराटिन बाउंड्स होते हैं हेयर्स में वो इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि घर पर आप कभी भी उसको आप बिल्कुल भी नेचुरली स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी ब्यूटी ब्लॉगर की बात में आके वो जो होता है ना कि सैलून जैसा स्ट्रेट हेयर घर पर, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी रेमेडी कर लो, अगर आपको स्ट्रेट हेयर्स चाहिए तो आपको बिल्कुल ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। रिबॉन्डिंग कराइए या स्मूथनिंग कराइए या केराटिन कराइए, और बेस्ट होती है रिबॉन्डिंग। फिर भी और जो रिबॉन्डिंग वाले बाल होते हैं, मैंने अपने बालों पे 3 times रिबॉन्डिंग कराई है। आप देख सकते हैं ये सब मिथ फैला है कि रिबॉन्डिंग से बाल चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, रिबॉन्डिंग से बाल नहीं जाते हैं। और ये जो ब्यूटी ब्लॉगर से प्लीज़ उनकी बातों में आप बिल्कुल भी ना आइए। कभी भी आप कुछ भी कोई भी रेमेडी करके देख लीजिए, कभी भी आपका बाल क्या बोलो सैलून जैसा स्ट्रेट नहीं हो सकता है घर पे। तो किसी भी ब्यूटी ब्लॉगर की बातों में आके आप अपना टाइम और मनी मत वेस्ट करिए। अगर आपको सच में स्ट्रेट बाल चाहिए तो पार्लर जाइए, कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले लीजिए। आप चाहे तो केराटिन ले सकते हैं, चाहे तो आप रिबॉन्डिंग करा सकते हैं, स्मूथनिंग करा सकते हैं। मैं बस जब भी मैं यूट्यूब खोलती हूँ किसी न किसी ब्यूटी ब्लॉगर का देखती हूँ कि स्ट्रेट हेयर्स एट होम, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम, और उनके चैनल को चलाने की उनकी ट्रिक्स होती है। सो प्लीज़ आप उनकी बातों में ना आए, ना फंसें। और स्ट्रेट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारे बाल होते हैं वो केराटिन बॉन्ड से बने होते हैं, वो इतना मतलब स्ट्रांग बॉन्ड होता है। जब आपने कभी रिबॉन्डिंग कराई होगी तो आपको पता होगा कि कितने दो बार हीट देते हैं पूरी फुल, मतलब एक धुआं सा भी निकलने लगता है बालों से, उसके बाद आपके बाल स्ट्रेट होते हैं। घर पर कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिससे आपके बाल वो स्ट्रेट ला देंगे? ये सिर्फ ब्यूटी ब्लॉगर्स अपने चैनल को चलाने के लिए झूठ बोलते हैं। सो प्लीज़ आप उनकी बातों में ना आए। और अगर आपको सच में अगर आपको बालों को स्ट्रेट रखना है तो आप पार्लर जाइए, वहाँ पे अपने ब्यूटिशियन से बात करिए, वो आपको बताएंगे कि बाल स्ट्रेट कैसे होते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बताना और चाहूँगी कि रिबॉन्डिंग कराने से बाल कभी नहीं ख़राब होते हैं, और बाल तो जिनके ख़राब होने होते हैं वो हो ही जाते हैं ख़राब। मैंने और दो या तीन बार मैंने रिबॉन्डिंग करा रखी और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आपके बाल हेल्दी हैं तो आप रिबॉन्डिंग कराइए, ज़्यादा रिबॉन्डिंग मत कराइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा उनका वॉल्यूम कम हो गया है तो आप रिबॉन्डिंग मत कराइए। बट आप 1 से 2 बार अपने लाइफ में रिबॉन्डिंग कराएंगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, अगर आपको ये मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आगे भी मैं आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाती रहूँगी। चलिए, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।